खबर दिनभर में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। महाराष्ट्र पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। एकनाथ शिंदे गुट ने पिटीशन दाखिल करके मांग की थी कि उनके विधायकों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई गलत की जा रही है, और इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की सियासत को लेकर सुनवाई चल रही है। एकनाथ शिंदे गुट अपने ऊपर डिप्टी स्पीकर के दिए गए नोटिस को रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। अभी शिंदे गुट के वकील नीरज कौल अपना पक्ष रख रहे हैं। नीरज कौल ने पक्ष रखते हुए कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पेंडिंग है, ऐसी सूरत में वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, वो विधायकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने नोटिस देकर शाम 5 बजे का वक्त दिया है, उनके नोटिस पर रोक लगाई जाए। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की सियासत पर जो सुनवाई चल रही है, उस पर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई में नीरज कौल अपना पक्ष रख रहे हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अंकित, अब सुनवाई शुरू हो चुकी है, नीरज कौल कह रहे हैं जो बात आप कह रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर के खिलाफ है, कानूनी कार्रवाई वो कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल विकास, और इस मामले में जो सुनवाई शुरू हुई, सबसे पहले जो नीरज किशन कौल हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, वो शिंदे ग्रुप की तरफ से पेश हो रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस बात का हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, कि यहाँ पर तो जो डिप्टी स्पीकर है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, उनके खिलाफ वो जो नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं, वो कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि देखिए, नोटिस जारी किया गया, नोटिस जारी करके 48 घंटे का ही वक्त दिया गया। अमूमन ऐसे मामलों में अगर नोटिस जारी भी होता है तो 7 दिनों का वक्त दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं किया गया जो उनकी मंशा दिखाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल पूछा है। और सवाल ये है कि वो तो ठीक है, आप हमारे सामने दलीलें रख रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि ये मामला लेकर के आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। जिस पर संजय किशन कौल, जो कि एकनाथ शिंदे के वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, इस ऐसे मामले इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आते रहे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको एंटरटेन किया है, यानी कि उन पर सुनवाई की है और बाकायदा आदेश तक दिए हैं। बिल्कुल अंकित जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से शिंदे गुट के वकील इस वक्त वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। जज ने यह भी कहा कि आप माफ कीजिए, नीरज कौल ने यह भी कहा शिंदे गुट का पक्ष रखते हुए कि सरकार अल्पमत में है और सरकार वहां पर दादागिरी कर रही है और उनके विधायकों की जान की सुरक्षा को खतरा भी है। सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए कौल ने कहा, हमारा कहना है कि जब तक आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नीरज कौल ने यह कहा कि जब तक प्रस्ताव लंबित है, अविश्वास का प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, तब तक वो फैसला नहीं ले सकते। जज ने कहा है कि नोटिस कब का है, इस पर वकील ने कहा कि नोटिस 25 जून को मिला है। अंकित हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, सुनवाई के दौरान जब पक्ष रख रहे थे नीरज कौल, तो ये भी कहा गया कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए? जी बिल्कुल, और नीरज किशन कौल ने साफ तौर पर कहा, देखिए ऐसे इससे पहले भी जो मामलों की सुनवाई हुई है वो सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है, लिहाजा इस मामले की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। लेकिन विकास, जो महत्वपूर्ण दलील है नीरज किशन कौल की, संजय राउत ने जो बयान दिया था कल, जिस पर उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है, नीरज किशन कौल कह रहे हैं, जो कि एकनाथ शिंदे के वकील है, कि जो लोग अल्पमत में है उनको व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है उन लोगों ने, यानी कि निशाना किस पर है, उद्धव ठाकरे कैंप के ऊपर, कि वो लोग अल्पमत में है लेकिन उन्होंने व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हमारी लाश लौटेगी की जैसी बातें की जा रही हैं। ये बयान किसने दिया कल, संजय राउत ने, जिस पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया कि उन्होंने उनका ये कहने का मतलब नहीं था। तो ये मामला जो है कोर्ट में भी आ गया है, कोर्ट में दलील दी गई है, यहां पर कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, कोर्ट ने पूछा है कि आप अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और आपकी शिकायत ये भी है कि डिप्टी स्पीकर ने आपको पर्याप्त समय नहीं दिया, वो अवधि आज ही खत्म हो रही है, यानी कि वही है ना कि शाम को 5:30 बजे अवधि खत्म हो रही है, तो कोर्ट यही पूछ रही है कि आपकी मुख्य मांग यही है ना, तो उस पर अब एकनाथ शिंदे के जो वकील है नीरज किशन कौल, उनका यह कहना है कि हमारे इसके अलावा भी कुछ दलीलें हैं, हमारा यह भी कहना है कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है, यानी कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है, तो वो तो इस मामले को सुन ही नहीं सकते। विकास, कुछ देर पहले हम लोग यही चर्चा कर रहे थे ना कि जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के मुख्य दलील यही होगी कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव है तो वो नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं, तो वो कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, और यही बात कही जा रही है। तो इस पर जो है अब
कोर्ट ने ये पूछा है कि आखिर ये नोटिस है कब का, तो कोर्ट को बताया गया कि ये नोटिस दो दिन पहले यानी कि 25 जून को जारी हुआ था और आज शाम को 5:30 बजे तक इस मामले में जवाब देने को कहा गया है। और कहा यह जा रहा है कि देखिए ये जो है जो डिप्टी स्पीकर है ये उस गुट से जुड़े हुए हैं जो कि इस वक्त अल्पमत में है और ऐसे में जो नियमों के हिसाब से हमको वक्त मिलना चाहिए वो भी नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि उनका रवैया पक्षपातपूर्ण है। यानी अब तक की जो सुनवाई हुई है पिछले जो 10 मिनट की उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो डिप्टी स्पीकर है डिप्टी स्पीकर के पास में अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पहले लाया जा चुका है और जब तक उस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस नहीं हो जाती, चर्चा नहीं हो जाती सदन में, तब तक यह कैसे तय होगा कि उनके पास में यह अधिकार है या नहीं। लिहाजा पहले तो यह तय होना चाहिए और इसके लिए जो बाकायदा अविश्वास प्रस्ताव मूव भी किया गया था विकास, वो भी बताना चाहूंगा। उसमें जो 2016 का अरुणाचल के मामले में एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसका जिक्र किया गया था यह कहते हुए कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अरुणाचल के मामले में कहा है कि देखिए जब अगर किसी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो पहले उसका निराकरण होना जरूरी है। यानी कि उस पर जो है पहले तय होना चाहिए कि वो अविश्वास प्रस्ताव सही है, एक्सेप्ट होता है या गिरता है। अपडेट आ गया है सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से, एक बड़ा अपडेट आया है। नीरज किशन कौल वो ये दलील दे रहे हैं कि हमसे कहा जा रहा है कि आप पार्टी की बैठक में नहीं गए, यानी कि क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो बैठक बुलाई थी उसमें ये लोग नहीं गए थे और उसी के बाद नोटिस जारी हुआ था, तो कहा जा रहा है कि हमसे ये कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे ग्रुप से कि आप लोग पार्टी की बैठक में नहीं गए इसलिए आपने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। इसी आधार पर डिप्टी स्पीकर को आवेदन दिया गया और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जब खुद प्रस्ताव है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रहे हैं। यानी कि ये भी बता रहे हैं कि देखिए हमसे एकनाथ शिंदे ग्रुप से ये कहा जा रहा है कि आप लोग पार्टी की बैठक में नहीं आए, अनुशासनहीनता है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर घूम फिर करके बात कहां रही है कि ये जो नोटिस दिया जा रहा है, ये जो याचिका दी जा रही है, अर्जी दी जा रही है, ये उन डिप्टी स्पीकर को दी जा रही है जो कि अल्पमत की सरकार वाले डिप्टी स्पीकर हैं और इतना ही नहीं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला दिया जा रहा है, फैसलों का हवाला दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 2016 में भी कह चुका है कि अगर ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव लंबित है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तो पहले उसका निराकरण होना जरूरी है जो कि इस मामले में नहीं किया गया। अब एक महत्वपूर्ण टिप्पणी कोर्ट की आई है, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, कोर्ट ने जो सवाल पूछा है तो आप ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ 21 को प्रस्ताव दिया, यानी कि कोर्ट अब ये एक तरह से टाइमलाइन जानना चाह रही है कि अच्छा ये जो प्रस्ताव दिया गया है अविश्वास का ये कब दिया गया। ऐसे में साफ तौर पर अब जो कोर्ट में दलीलें चल रही हैं इस सबके बीच में ऐसे में उन्होंने सुनवाई नहीं करनी चाहिए, यानी कि ये कोर्ट कह रही है कि इसका मतलब 21 तारीख को आपने अविश्वास प्रस्ताव दिया और ये सुनवाई नहीं करनी चाहिए। आप यही बात डिप्टी स्पीकर से क्यों नहीं कहते, यानी कि कोर्ट आप एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो वकील हैं नीरज किशन कौल वरिष्ठ वकील हैं उनसे ये कह रही है कि ठीक है हम आपकी बात समझ गए, आप कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लंबित है, लेकिन आपने ये बात क्या डिप्टी स्पीकर से कही है कि आप अविश्वास प्रस्ताव पर सुनवाई नहीं कर सकते, नोटिस जारी नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने ये सवाल पूछा है नीरज किशन कौल जो कि एकनाथ शिंदे ग्रुप के वकील हैं, यानी अब तक की सुनवाई के दौरान कोर्ट भी ये जानना चाह रही है कि ठीक है आपका ये दलील है कि डिप्टी स्पीकर सुनवाई कर ही नहीं सकते, नोटिस जारी कर ही नहीं सकते, कार्रवाई कर नहीं सकते, आप हमारे पास आ गए हैं, क्या आप ये बात आपने डिप्टी स्पीकर को बताई। अब इस पर नीरज किशन कौल अपना जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम अब तक की सुनवाई की बात करते हैं तो विकास पिछले जो करीबन जो 15 मिनट की सुनवाई हुई है इस दौरान जो सबसे मुख्य दलील जो नजर आ रही है मुझे भी और संभवतः जो है मैं अगर ये कहूँ कि कानूनी तौर पर वो यही है कि यहाँ पर डिप्टी स्पीकर जिन्होंने नोटिस जारी किया, जिन्होंने कार्रवाई के लिए कहा कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो नोटिस ही नहीं जारी कर सकते क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है और जब तक उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो जाती, कुछ जो फैसला नहीं हो जाता। एक अपडेट आ गया है नीरज किशन कौल की दलील जो कि एकनाथ शिंदे के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का पुराना फैसला है, ये बात उन्होंने भी बताई है, फिर भी उन्होंने कार्रवाई जारी रखी। यानी कि अब नीरज किशन कौल ने किस बात का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का, जिस बात का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी ऐसे मामलों में कह चुका है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो पहले उसका निराकरण होना जरूरी है। तो अब नीरज किशन कौल जो एकनाथ शिंदे के वकील है उनका कहना है कि ये बात डिप्टी स्पीकर को बताई जा चुकी है और जो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि जो अविश्वास प्रस्ताव भेजा गया है उसमें इस बात का जिक्र है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला है अरुणाचल के मामले में और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ऐसे अविश्वास प्रस्ताव पर
तब तक जो है नहीं, ऐसे अविश्वास प्रस्ताव अगर लंबित है तो वहां पर पहले वो उसका निराकरण होना चाहिए, उसके बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डिप्टी स्पीकर वो मान नहीं रहे हैं, तो लगातार एक के बाद एक जो दलील ली जा रही है उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लंबित है, डिप्टी स्पीकर को बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो नोटिस जारी कर रहे हैं, फिर भी वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे मामलों में तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा नहीं हो जाती। बार बार घूम फिर करके एकनाथ शिंदे के वकील यही दलील दे रहे हैं। जी विकास, बिल्कुल अंकित, और जो बात आप कह रहे थे सुबह से हम बता रहे थे कि 2016 का अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा में हुए मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसका जिक्र किया गया है इसमें। कोर्ट में इस समय जो नीरज कौल अपनी दलीलें रख रहे हैं उसमें बार बार उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लंबित है। और इस वक्त जो खबर है वो ये है कि डिप्टी स्पीकर को नोटिस देने का हक नहीं है, शिंदे गुट ने ये भी कहा है। इसके अलावा शिंदे गुट के वकील नीरज कौल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले के बाद भी ये कार्रवाई की गई है। हम अंकित गुप्ता के पास चलते हैं जो कि कोर्ट रूम के बाहर हैं, निपुण सहगल कोर्ट रूम के अंदर हैं, सुप्रीम कोर्ट से वो जानकारी अंकित गुप्ता तक पहुंचा रहे हैं और अंकित गुप्ता अपने दर्शकों तक हमारे जरिए जानकारी पहुंचा रहे हैं। अंकित, अब वो जो 2016 का मामला है उसको क्लियर कट नीरज कौल ने कोर्ट के सामने रखा है। जी बिल्कुल, और इस तरीके से कुछ और भी फैसले हैं जिनका जिक्र किया गया, लेकिन इस वक्त के लिए एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि फिलहाल जो कोर्ट की तरफ से 2 मिनट का ब्रेक लिया गया है, जो कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जजेस जो मामले की सुनवाई कर रहे थे उन्होंने कहा कि ठीक है अभी हम 2 मिनट में फिर से आते हैं, क्योंकि लगातार जो सुबह से जो जजों की पीठ है वो बैठी हुई थी, लिहाजा 2 मिनट का ब्रेक लिया गया है। आज लंच ब्रेक भी नहीं हुआ था जो की सुनवाई जारी थी, लिहाजा 2 मिनट का ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर से जो सुनवाई शुरू होगी। लेकिन जो अब तक सुनवाई हुई है विकास, अगर हम उसकी बात करते हैं तो इस मामले में जो सुनवाई अब तक हुई है उसके हिसाब से जो करीबन 15 मिनट की सुनवाई है, जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे हैं ना कि पूरी जो जोर है एकनाथ शिंदे ग्रुप का कहां पर है, वो इस बात पर है कि कैसे ये जो डिप्टी स्पीकर हैं ये नोटिस जारी कर सकते हैं जबकि उनको बताया गया है कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। ऐसे में आखिर 5:30 बजे तक का वक्त कहते हुए ये नोटिस क्यों जारी किया गया, क्यों नहीं इंतजार किया गया कि अविश्वास प्रस्ताव पर पहले चर्चा हो जाए और जो भी फैसला हो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर के एकनाथ शिंदे ग्रुप की ये कोशिश ये है कि डिप्टी स्पीकर को लेकर के जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है पहले उसी पर बहस हो। विकास, अब हम क्योंकि हमारे पास 2 मिनट का ब्रेक है लिहाजा ये समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कोशिश की जा रही है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप को यह पता है क्योंकि अभी जो सदन में जो उद्धव सरकार है उसके पास में बहुमत नहीं है। ऐसे में अगर डिप्टी स्पीकर को लेकर के सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आया है उस पर वोटिंग हो जाती है, यानी कि अगर उस पर वोट हो जाता है तो साफ तौर पर वो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि उद्धव सरकार के खिलाफ जाएगा वो नो कॉन्फिडेंस मोशन और वहां पर एक हार होगी पहले फ्रंट पर उद्धव सरकार की। तो नैतिक तौर पर तो वहीं से दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा उद्धव सरकार पर कि देखिए आपके पास तो बहुमत ही नहीं है, आप अपने स्पीकर को नहीं बचा पा रहे हैं तो आप कंटिन्यू कैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी कंटिन्यू करते हैं तो वहां पर प्रक्रिया अमूमन ये होती है कि गवर्नर जो राज्यपाल है वो एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं अमूमन विधानसभा के, उनकी नियुक्ति करते हैं और वो सदन की कार्रवाई को आगे संचालित करते हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं बताया ये जा रहा है कि वो यहाँ पर बीजेपी से जुड़े हुए हैं और ऐसे में उनको जो है ये जो एकनाथ शिंदे ग्रुप है वो ये उम्मीद कर रहा है जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी तो उससे इनके गुट को मान्यता मिल सकती है, एकनाथ शिंदे गुट को मान्यता मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो जब वोटिंग होगी तो वो वोट करेंगे और ये जो मेजोरिटी है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलाकर के उद्धव सरकार से ज्यादा नंबर होगा और सरकार गिर जाएगी। तो कुछ इस तरीके की रणनीति पर चर्चा चल रही है इस वक्त और इसी वजह से सबसे पहली कोशिश ये है कि डिप्टी स्पीकर को लेकर ही सवाल खड़ा किया जाए और अगर वही अपना पद नहीं बचा पाते हैं तो उद्धव सरकार के ऊपर नैतिक तौर पर दबाव आ जाएगा कि देखिए आप अपना स्पीकर तक बचा नहीं पा रहे तो आप आगे क्या जो बहुमत साबित करेंगे। जी विकास। जी अंकित, तो अंकित हमें जानकारी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, निपुण सहगल उनको जानकारी कोर्ट रूम के भीतर से पहुंचा रहे हैं। फिलहाल 2 मिनट का ब्रेक लिया है जजेज ने क्योंकि सुबह से लगातार सुनवाई पर थे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस मामले में बड़े बड़े वकील मौजूद हैं। बागी शिंदे गुट की 2 याचिकाओं पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद इस पर सुनवाई फिर से शुरू होगी।
अल्पमत वालों का सरकार पर कब्जा है। शिंदे गुट के वकील नीरज कौल ने ये बात वहां पर रखी है। इसके अलावा उन्होंने कहा हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिंदे गुट के वकील ने ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। वो कह रहे हैं हमारी लाश महाराष्ट्र लौटेगी। ये भी शिंदे गुट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने ये बात रखी है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा तो आपकी चिंता आपकी सुरक्षा भी है और इसके अलावा जो आपको नोटिस जारी किया गया है वो भी है, उसके लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। इस पर नीरज कौल ने कहा कि पर्याप्त समय से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो नोटिस जारी किए गए हैं वो गैरकानूनी है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पेंडिंग है। ऐसे में वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के 2016 में दिए गए जजमेंट को भी यहाँ पर साइट किया गया, नीरज कौल की तरफ से कोर्ट के सामने रखा गया, जिसमें बताया गया कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है तो वह विधायकों के ऊपर निर्णय नहीं ले सकता। अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, जो आप कह रहे थे ना बात कि इस याचिका के पीछे, पर्दे के पीछे की जो कहानी आप बता रहे थे कि किस तरह से इस याचिका के जरिए ये फैसला हो जाए कि अविश्वास प्रस्ताव पर पहले चर्चा होना जरूरी है, तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए न केवल डिप्टी स्पीकर को हटा दिया जाएगा बल्कि उनके ऊपर जो कार्रवाई होने वाली है उसको भी उस पर भी रोक लगाई जा सकेगी, और इससे ये होगा कि ना केवल डिप्टी स्पीकर हटेंगे बल्कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो जाएगी और फिर बीजेपी और बागी विधायकों के गुट को मान्यता मिलेगी और बहुमत प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। और जो एकनाथ शिंदे ग्रुप है ना, उसने इस तरीके की तैयारियां पिछले जो है 4-5 दिनों से करनी शुरू कर दी थी। भले ही वो ग्रुप जो है, यानी कि वो जो गुट है, वो इस वक्त गुवाहाटी के रेडिसन होटल में बैठा हुआ है, जहां से हमारे सहयोगी मनोज और सूरज लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उनकी जो जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन वो लोग वहां बैठे जरूर हैं, लेकिन इस सबके बीच में कानूनी सलाह मशवरा लगातार चल रहा है। इस सबके बीच में जो उनके वकीलों से कुछ हमारी बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है कि पिछले 1-2 दिनों में हमने ये रणनीति बनाई है। सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।